लेकर चलते हैं, जहां पर मंत्री परिषद की बैठक कांग्रेस की खत्म हो गई है और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास संबोधित कर रहे हैं। कार्यकर्ता लगातार जोश में है, वो महंगाई के खिलाफ लड़ना चाहता है, क्योंकि पूरे राजस्थान में जनता की एक ही आवाज है, महंगाई हटनी चाहिए। केंद्र सरकार ने जो गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, लोगों की पहुंच से दूर हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, टैक्स बढ़ा दिए, जीएसटी बढ़ा दी, अभी कपड़े और जूते पर इन्होंने 5% से 12% कर दी, महंगाई बढ़ रही है, खाने की वस्तुएं महंगी हो गई, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया, तो सामने दिख रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने भी बड़े बड़े बोल बोल दे, आकर झूठ बोल दे, उससे कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन पूरा सब कुछ तय है और जहां पर भी आप जाओगे तो पता चल जाएगा कि केंद्र सरकार जब कांग्रेस की थी तब कितने टैक्स थे पेट्रोल डीजल पर, और तब क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कांग्रेस के टाइम पर ज्यादा थे, आज कम है। आज आपने केंद्र की बीजेपी की सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया इसलिए पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, सब समझते हैं। अब बीजेपी कितना भी झूठ बोल ले, ये बीजेपी का झूठ चलने वाला नहीं है। महंगाई हटाओ रैली, राष्ट्रव्यापी रैली, दिल्ली में परमिशन नहीं मिली, जयपुर में हो रही है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, पूरा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर जयपुर में होगा और उसी मॉनिटरिंग में गहलोत साहब, माकन साहब, डोटासरा जी सब मीटिंग ले रहे हैं। माकन साहब आज वापस आए, अभी पीसीसी में भी मीटिंग होगी 3 बजे। ये तय हो गया है कि बड़ी तादाद में 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर जयपुर में जुटेंगे, लाखों लोगों के आने का आंकड़ा सामने आ रहा है, लोगों में बहुत उत्साह, उमंग और जोश है। और जोश का कारण है भारतीय जनता पार्टी के जुल्म और अन्याय से लोग इतने पीड़ित हैं और हमारी सरकार के काम से इतने खुश है कि यही कारण है कि राजस्थान में वल्लभ नगर का चुनाव हम जीते, बीजेपी की जमानत जब्त हो गई और धरियावद में बीजेपी 3rd नंबर पर रही और हम वहां पर भी चुनाव जीते, पंचायत और जिला परिषद जीते। हमें उम्मीद है अभी थोड़ी देर जहाँ 2-4 जगह और पंचायत जिला परिषद के चुनाव है वहां भी हम जीतेंगे। मंत्रियों को कितना मतलब टारगेट दिया है हर मंत्री को? देखिए अभी तो मंत्री सब जगह, हम मैं चित्तौड़ जाकर आया, सब अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आए, अपनी अपनी रिपोर्ट आज हमने प्रस्तुत की है, इतनी तैयारी है। क्योंकि एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि अब इलेक्शन है, शादियां हैं, बसें शादियों में भी बुक हुई है, इलेक्शन में भी हुई है, तो ऐसे में कार्यकर्ता अधिकतर अपने साधनों से भी पहुंचेंगे, बसें भी कर रहे हैं, स्कूलें बंद है इसलिए स्कूल की बसें भी मिल जाएगी, तो तैयारी किस ढंग से हो, कैसे पहुंचे, क्या व्यवस्था की जाए, कार्यकर्ताओं को कम परेशानी हो, पब्लिक को भी परेशानी नहीं हो और सारे लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर आए, तो उसकी कोशिश हम कर रहे हैं कि हर आदमी मास्क लगा कर आए। हालांकि इस वक्त जो हालात हैं उसमें हमारे पास जो रिपोर्ट है कि वो सारे कार्यकर्ता बड़ी तादाद में उत्साहित हैं, क्योंकि कोरोना के बाद बड़ी रैली जयपुर में अब होने जा रही है, क्योंकि बीच में लोग बंधे रहे, परेशान रहे कोरोना में, तो अब लोग खुलकर शादी ब्याहों में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रशासन गाँव के संग शहरों के अभियान में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अब लोगों में उत्साह और उमंग है और लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठ, फरेब और धोखे से मुक्ति पाना चाहते हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने जब किसानों को कुचलने की बात कही, उनको आतंकवादी, खालिस्तानी कहा, किसानों को गलत बताया, और बीजेपी को बैकफुट पर जाकर प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी कि मैं देश के अन्नदाता किसानों से माफ़ी चाहता हूं, तो लोगों में ये चर्चा है कि 1 वर्ष तक 750 किसान मर गए, लोग सड़कों पर बैठे रहे और रास्ते जाम रहे, जनता परेशान रही, बीजेपी को पूरा देश कहता रहा, पूरी पार्टियां कहती रही, सुनी नहीं, और एंड में कहते हैं मैं माफ़ी चाहता हूं, तो गलती मान ली। तो बीजेपी कल जब लोग भूख से मर जाए, बेरोजगारी से मर जाए, फिर कहे कि हम माफ़ी चाहते हैं, अब हम पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम करके, और मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के टाइम पर भी उतनी करते हैं, तो फिर क्या मतलब? आपने तो 22-25 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे, अब आप टैक्स इसलिए नहीं बढ़ा रहे पेट्रोल डीजल की रेट? आप बताओ, कोरोना में लोगों की मौत हो रही थी, लोग मर रहे थे कोरोना से, टीवी पर आता था कोरोना से इतनी मौतें हुई, कोरोना से इतने मरीज बढ़े, पेट्रोल में 1.5 रुपया बढ़ा, डीजल पर 75 पैसे बढ़े, रोज कोरोना से मौतें बढ़ रही थी, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे। महामारी में कभी भी डीजल पेट्रोल के और गैस सिलेंडर अति आवश्यक चीजों में आते हैं, देश के कानून के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मूल्यों के अनुसार, कानून के अनुसार रेट बढ़ा ही नहीं सकते, आपने लगातार रेट बढ़ाई, अब यूपी के चुनाव आ रहे हैं, बाकी स्टेटों में चुनाव आ रहे हैं, तो अब आप रेट इसलिए नहीं बढ़ा रहे, आपको यूपी का चुनाव जीतने की चिंता हो रही है, तो यूपी का चुनाव ये हारेंगे और बाकी प्रदेशों में भी हारेंगे, क्योंकि लोगों को, लोग सिर्फ आपके हमारे समझाने से नहीं समझते हैं, आजकल तो ऑनलाइन सारा डेटा है। मैं लोगों से अपील करूंगा, ऑनलाइन चेक करो और देखो
मनमोहन सिंह जी के टाइम पे केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर कितनी थी, मनमोहन सिंह जी के टाइम पर क्रूड ऑयल के दाम महंगा था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $111 प्रति बैरल थे, आज 84 डॉलर प्रति बैरल है। एक्साइज ड्यूटी मनमोहन सिंह जी ने कम कर रखी थी, इसलिए पेट्रोल डीजल 60 और 59 रुपए था, इन्होंने बढ़ा दी इसलिए महंगा है। तो यदि केंद्र सरकार कमी कर देगी, हमसे पूछ के करेगी क्या, तो हमारा अपने आप ही कम हो जाएगा। लोग ये कहते हैं कि कोरोना को भूल गई है सरकार, कांग्रेस अपनी रैली कराने के लिए। देखिए ओमिक्रॉन को लेकर तो खुद मुख्यमंत्री जी लगातार मीटिंग करते रहते हैं, और जो स्टेट कोरोना में बहुत चिंतित होकर काम करता रहा, खुद चीफ मिनिस्टर बहुत सीनियर है, समझदार है, उसको लेकर पूरी तैयारी कार्यकर्ताओं की सब कर रहे हैं। अभी लगातार प्रशासन गांव के संग शहर के संग अभियान में भीड़ जुट रही है। ओमिक्रॉन कितना पावरफुल है, जो हमारे पास रिपोर्ट है, मेरा मानना है उतना पावरफुल ओमिक्रॉन नहीं है, मेरा पर्सनल मानना, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कोई अजीब सी बात लगेगी, क्योंकि ये वेरियंट ऐसे हैं, जब अलग डेल्टा आया बहुत खतरनाक था, जब सेकेंड लहर थी, मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हुआ लेकिन मैं हुआ फर्स्ट लहर में, तो मेरे सांस में तकलीफ नहीं हुई। सेकेंड लहर में जो लोग हुए वो तड़फ रहे थे। अब क्या है कि कोरोना अब जो आ रहा है, तो कल मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मेरे दोस्त जो विदेशों से, हमारा मानना ये, मेरा मानना है पर्सनल, किसी ने मुझे कहा, कोई भक्ति भाव का आदमी था, कि ये जो अब वेरिएंट आया है, ये जो पुराने खतरनाक उनको मारने के लिए आया, उनको मार रहा है, इसलिए कमजोर हो गया। अब ये तो मैं तो समझ नहीं सकता, साइंस वाले बताएंगे। ओमिक्रॉन से हमें डरना चाहिए, मास्क हमें लगाना पड़ेगा, भीड़ में हम जाएं, सब लोगों से अपील कर रहे हैं मास्क लगाओ, और ओमिक्रॉन से बचकर रहना पड़ेगा, डिस्टेंस बनाकर रखनी पड़ेगी, गाइडलाइन हमको माननी पड़ेगी। अब तो खुद को भी तैयार होना, लेकिन जिंदगी को पटरी पर तो लाना पड़ेगा। शादी ब्याह में जब ये बात आई कैबिनेट में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से सब मंत्रियों ने कहा साहब ये कर दो, तब तो ये रैली की बात नहीं थी, तब भी मैंने मना किया और सीएम साहब ने माना भी। आप ये बताओ, जो बैंड बजा रहा है, जो सामने लाइट लेकर चल रहा है, जो घोड़ी वाला है, जो वेटर है, और जो टेंट वाले हैं, इनकी आप हालत क्या समझते हो? भूख से जंग हो रही है कोरोना के बाद।